हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, गेहूँ। किसका? वीट, टिट्रिकम एस्टिवम का सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, चावल का उद्गम स्थल कहाँ, ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस, चावल का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम क्या है, भारत तथा वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है जो कि लगभग कितना है? तो भारत में ये जो चावल का क्षेत्रफल है लगभग कितने मीटर है, तो इसका देखेंगे नेक्स्ट, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 45 मिली हेक्टेयर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइजस सटाइवा वंश में कुल कितनी स्पीसीजें हैं, कितनी स्पीसीज शामिल है? तो कितनी स्पीसीज शामिल हैं इसमें से, कुल 24, कितनी हैं, 24 स्पीसीज है जिसमें से 22 क्या हैं, जंगली स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, ओराइजा ग्लेब्रिना स्पीसीज की किस्में किस जगह पर पाई जाती हैं, किस जगह पर पाई जाती है, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में? तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्मों भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीसीज से संबंधित हैं, यानी जो भारत में उगाई जाती हैं किससे संबंधित है, वो इंडिका, किससे, इंडिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस स्पीसीज से संबंधित रखती हैं, ओराइजा ग्लेब्रिना, ओराइजा सटाइवा, या ओराइजा सटाइवा जैपेनिका, ओराइजा सटाइवा या जेपॉइन का? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उगाने की अपरंपरागत क्षेत्र कौन है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी चावल का अनट्रेडिशनल एरिया कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, 10 नंबर, चावल के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, चावल के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पेनिकल, क्या बोलते हैं, पेनिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, छिलके वाले चावल को कहते हैं सफ़ेद चावल, भूरा चावल, लाल चावल या ग्रे चावल, यानी जो छिलके वाले चावल होता है उसको क्या बोलते हैं, भूरा चावल। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु, जो धान की फसल है उसके लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए, बहुत गर्म उष्ट जलवायु होना चाहिए, इसका बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, चावल के पकते समय तापक्रम होना चाहिए, यानी जब राइस पकता है, चावल पकता है, तो उस समय का जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए, टेम्परेचर तो कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, फोटो पीरियड्स के आधार पर धान एक पौधा, यानी प्रदीप्ति काल के आधार पर धान एक पौधा है, तो इसके आधार पर धान एक कैसा पौधा है, तो ये अल्पदीप्ति काली पौधा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, आप अस राइस की बुआई का समय, एक राइस है अस राइस, इसकी बुआई का समय कब है, तो इसकी बुआई का समय मई और जून में ये चावल बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बोरो या दलुआ धान की बुआई का उचित समय, बोरो या दलुआ धान की बुआई का उचित समय कब है, नवंबर से दिसंबर है, जून जुलाई है, मई जून है या मार्च अप्रैल है? तो इस ये जो धान है कब बोया जाता है, नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एग्री नॉलेज 919 पर। अगर आपको ये चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।